नमस्कार, क्राइम अमरावती न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पचा पथक को सुधीर भंडारी का शव ढूंढने में मिली सफलता। अब समाचार विस्तार से। इंदापुर यह चारगढ़ नदी में एक व्यक्ति की डूबने की खबर 5/10/2020 को दोपहर 12 बजे के दरमियान नियंत्रण कक्ष जिलाधिकारी कार्यालय अमरावती ने प्राप्त हुई। माननीय जिलाधिकारी इनके आदेश और निवासी जिलाधिकारी साहब नितिन व्यवहारी, जिला आपत्ति व्यवस्थापक अधिकारी सुरेंद्र रामेकर साहब और पुलिस निरीक्षक मारुति नेवारे साहब इनके आदेश से खोज बचाव पथक घटनास्थल पर पहुंचे और तत्काल खोज कार्य शुरू किया। नदी के पात्र में भंवर होने के कारण शव ढूंढने में बहुत वक्त लग रहा था। खोज बचाव पक्ष के गोताखोरों ने पानी में उतरकर शव ढूंढने का अथक प्रयास किया। शाम 6 बजे अंधेरा होने की वजह से खोज कार्य रोक दिया गया। दूसरे दिन 6/10/2020 को सवेरे 6 बजे से फिर से शोध कार्य शुरू कर दिया गया। सवेरे 9:30 बजे सुधीर खंडारी का शव हाथ लगा। शोध कार्य में तहसीलदार और पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान मिला। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में वार्ड नंबर 6 में 2 मरीज अपना इलाज करवा रहे थे। इसमें गजानन वालुंकर पूर्ण नगर निवासी, उसी के बगल में दूसरे बेड पर मरीज प्रेमदास काकड़े बेलपुरा निवासी, ये भी अपना इलाज करवा रहा था। अचानक गुस्साए प्रेमदास काकड़े ने फ्लाइंग राड से गजानन के सर पर वार कर दिया। उसके सर से खून का फवारा निकलने लगा। सुरक्षा रक्षकों की कोशिश से गजानन की जान बची। प्रेमदास को पकड़ लिया गया। सिटी कोतवाली का पुलिस दल हेरिन अस्पताल पहुंचकर आरोपी प्रेमदास काकड़े के खिलाफ घायल के बयान पर शिकायत दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में कृषि विधेयक लागू किए जाने की मांग को लेकर भाजपा ने गधे पर निकाली सरकार की सवारी। कलेक्ट्रेट पर आघाड़ी सरकार का पुतला फूंका।